दोस्तों जब मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू हुआ था एक बैंक के अंदर, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। मैंने एचआर से जो भी चीज़ें बोली बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोली थी, और हर चीज़ को मैंने बोला था मुझे 80% आता है, ठीक है। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको एक्सेल के बारे में क्या आता है, तो मैंने उनको बोला मुझे सर लगभग 80-90% आता है, जबकि मैं मानता हूँ 80-90% तो किसी को नहीं आता है। फिर उन्होंने मुझसे एक दो चीज़ और पूछी, तो फिर भी मैंने यहाँ पे 50% 70% ऐसे करके बोल दिया। लेकिन जब एग्जामिनर ने मुझसे कहा कि ठीक है ये रहा सिस्टम, और यहाँ पर उन्होंने मुझे एक बेसिक सी चीज़ दी कि इसको करके दिखाओ, और मुझसे वो बहुत ही बेसिक सी चीज़ नहीं हुई, और मैं बोल रहा था कि मुझे 90% एक्सेल आता है, फिर मुझे लगा कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता। एग्जामिनर ने फिर मुझे 3-4 चीज़ें लिख करके दी। मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा उस बंदे का जिसने मुझे समझाया कि ये 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों के बेस पर आप हमारी इस कंपनी के अंदर नौकरी ले सकते हो, जाइए और इन चीज़ों को सीख करिए। सैलरी तो यहाँ पर मैटर ही नहीं करती है कि कितनी थी कितनी नहीं, और उन 4 चीज़ों में से मैं आपको ये 4 चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले चीज़ उन्होंने मुझे कहा था ईमेल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ईमेल के बारे में नॉलेज रखो, ईमेल पर आजकल बहुत काम हुआ है। सेकंड उन्होंने कहा था मुझे बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ईमेल राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। थर्ड उन्होंने कहा था कम्युनिकेशन स्किल्स का आज की तारीख में हमारी इस लाइफ में बहुत यूज़ है, क्योंकि अगर हम किसी छोटे बच्चे से भी बात करेंगे तो भी हमें तमीज़ से करनी पड़ेगी, नहीं तो उसके मुँह से भी गाली निकलेगी, और अगर किसी बड़े से करते हैं तो उसकी ईगो तो बहुत जल्दी हर्ट होगी, तो हमें बहुत अच्छे से बात करनी आनी चाहिए, अपने लफ्ज़ों को बांध के बयान करना आना चाहिए, समझ रहे हो बात, ठीक है। अगर कुछ बोला तो ऐसे बोलें कि सामने वाले के दिल में छू जाए बात और वो कहे बहुत बढ़िया। फोर्थ एंड लास्ट उन्होंने कहा था कि देखो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने खुद ही कहा था, और कहा नहीं था बल्कि लिख के दिया था पेन से, और घर पे आके मैंने उन चीज़ों की स्पेलिंग को मैच किया था कि इनका मतलब है क्या आखिर। फोर्थ था ड्रेस, मैं जो कपड़े पहन के गया था वैसे तो वो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी समझ में वो कपड़े नहीं आए, क्योंकि उसमें कहीं फॉर्मल शर्ट थी और जींस वगैरह की कोई ट्राउज़र था मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि आप ऑफिस में आए हो, इंटरव्यू देने आए हो, और आपको कपड़े की तमीज़ ही नहीं, तो आप मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, अपने कपड़ों को सुधार कर आइएगा। और उन्होंने मुझे लिख के भी दिया था कि आप इस कलर की पैंट पहन के जाइए, इस कलर की शर्ट पहन के जाइए, आई मीन ब्लैक पैंट के ऊपर कोई लाइट कलर की शर्ट। तो आप भी इन चारों चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो, सीख सकते हो बहुत अच्छे से, एंड किसी कंपनी में जाने से पहले तो ज़रूरी सीखेगा अगर वो प्राइवेट है तो। और कम्युनिकेशन के लिए आप हमारा बुक खरीद सकते हो, इंस्टा पे इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। फिलहाल के लिए इस वाले वीडियो में इतना ही, बाय।